चलिए बात करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी होता क्या है? विस्कोसिटी का सिंपल जो वर्ड होता है हिंदी में हम लोग बोलते हैं चिपचिपाहट। क्या बोलते हैं उसको? चिपचिपाहट बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी को। ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। ओके, तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। विस्कोसिटी क्या है इन सिंपल वर्ड? विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। क्या है? इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है ड्यू टू विच इट ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर दी एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। तो क्या करता है ये? अगेन रिपीट करता हूं मैं, इन सिंपल वर्ड विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू विच इट ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ द लेयर ओवर दी एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। क्या करता है? एक लेयर के ऊपर और एक लेयर रहता है, तो क्या करता है? दोनों के बीच में वो क्या करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इन शॉर्ट ये क्या करता है? फ्रिक्शन ऑफर करता है। ओके, देखिए देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल। ये एक मेरा फ्लूइड का लेयर है, एक बड़ा सा एग्जांपल, एक फ्लूइड का लेयर है, से फ्लूइड लेयर ए। उसके नीचे और एक लेयर है फ्लूइड का, फ्लूइड लेयर से बी। तो क्या होगा? दोनों के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? प्रोड्यूस होगा, बिकॉज ये दोनों मूविंग कर रहे करके। ये प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का। तो विस्कोसिटी को और डिटेल में जानने के लिए, इसका डायरेक्शन देखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी, जो मेन दो चीजें हैं उसमें। सबसे पहला है मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या है मेरा प्रोफाइल? क्या है पहला? वेलोसिटी प्रोफाइल। ओके, वेलोसिटी प्रोफाइल कॉल्ड एज अ वेलोसिटी प्रोफाइल। ओके, किसका? वेलोसिटी का। वेलोसिटी प्रोफाइल देखते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है। से एग्जांपल, आपने क्या लिया? एक कंसिडर किया एक रिवर। रिवर में से क्या हो रहा है? रिवर में एक आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, रिवर में आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है कि ये फ्लूइड पार्टिकल्स है। और क्या बोला? एक नीचे एक उसका फ्लूइड जो रिवर से फ्लो हो रहा है वहां पे एक रिवर बेड है। ओके, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं तल। ओके, मतलब सद्दा जो है उसकी, रिवर की, वो यहां पे। ओके, अभी देखिए तो क्या होगा यहां पे? अगर आप कंसिडर करोगे फ्लूइड के पार्टिकल को यहां पे, ये लेयर पे एट द बॉटम कंसिडर करोगे आप, तो यहां पे क्या होगा? वेलोसिटी यहां पे क्या होगा? वेलोसिटी यहां पे होगा जीरो। उसके ऊपर क्या होगा? धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। से एग्जाम्पल, यहां पे वेलोसिटी जो मेरा मेन वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां पे होगी मेरी नेक्स्ट लेयर पे 8 मीटर पर सेकेंड, यहां पे समझिए 6 मीटर पर सेकेंड, यहां पे समझिए 4 मीटर पर सेकेंड, यहां पे समझिए 2 मीटर पर सेकेंड, और एंड में आके कितनी होगी मेरी वेलोसिटी? 0 मीटर पर सेकेंड मेरी क्या हो जाएगी? यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, तो देखिए हम लोग यहां पे प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, किस तरह से प्रोफाइल बनेगी। देखिए, अगर मैं ये कंसिडर किया इसका लेंथ, ओके, मतलब इसका हाइट फ्लूइड का, और इस तरह से एक प्रोफाइल यहां पे बनेगी, जहां पे ये जो अपर लेयर होगा वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी, जो रिवर की मेन वेलोसिटी होगी, उसके बाद ये दूसरा लेयर उसके नीचे का, ये उसके नीचे का लेयर, ये उसके नीचे का लेयर, ऐसे बहुत सारे लेयर से एक प्रोफाइल जनरेट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वेलोसिटी प्रोफाइल। और वेलोसिटी प्रोफाइल जो होता है वो हमेशा फ्लो के परपेंडिकुलर बनता है। क्या होता है? ये फ्लो है यहां पे ऐसा, तो फ्लो के परपेंडिकुलर। ओके, फ्लो के परपेंडिकुलर हमेशा क्या बनता है? वेलोसिटी प्रोफाइल हमारी बनती है। अब इसमें और एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होती है वो होती है डीयू अपॉन डीवाई। से एग्जांपल, मैंने यहां पे डायरेक्शन लिया, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। ओके, ये एक्स डायरेक्शन और वो वाई डायरेक्शन। ओके, मैंने ऐसा यहाँ पे कंसिडर किया, एक्स डायरेक्शन और क्या वाई डायरेक्शन। तो जो ये जो होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये होता है डी यू, मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। ओके, क्या होगा ये? चेंज इन वेलोसिटी।
और dy जो होगा वो चेंज इन हाइट, क्या होगा वो चेंज इन हाइट। तो ये देखिए अगर यहाँ पे अगर कंसिडर करते हो तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा ये पूरे लेयर के लिए, यहाँ पे ये होगा 10 ओके मैक्सिमम, यहाँ पे ये 0, तो क्या होगा du जो होगा आपका du होगा 10 माइनस 0। उसी तरह dy जो होगा हाइट का डिफरेंस जो होगा, से एग्जांपल ये टोटल हाइट जो मेरा ये यहां से यहां तक क्या है h, क्या है वो h, ये हो जाएगा dy h माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी प्रोफाइल। तो चलिए इसको हम लोग और डीप में देखेंगे एज पर द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। देखिए आपने यहां पे किया कंसीडर टू प्लेट्स, क्या किया कंसीडर टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय ऑयल फिल्म ऑफ थिकनेस h। मैंने यहां पे दो प्लेट लिया, ये प्लेट ए और ये यहां पे दूसरा प्लेट बी, ये प्लेट बी मैंने यहां पे कंसीडर किया और इन दोनों के बीच में मैंने क्या बोला एक ऑयल का फिल्म है ओके। से एग्जांपल एक ऑयल का फिल्म है ओके, ये ऑयल का फिल्म है इस तरह का ओके, इस तरह का मेरा ऑयल का फिल्म है ओके। नाउ ये ऑयल का फिल्म हो गया यहां पे ना, उसके बाद देखिए यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे बनता है फ्लो के परपेंडिकुलर में, ये अगर ये डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, अगर इस डायरेक्शन में से फ्लो हो रहा है ओके, थोड़ा क्रॉस बन गया, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ओके, इस तरह से वो फ्लो हो रहा है तो फ्लो के परपेंडिकुलर, तो फ्लो के परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा, क्योंकि बॉटम रिवर जो बेड होगा या फिर जो प्लेट है, प्लेट जो फिक्स है एक प्लेट फिक्स्ड है, प्लेट बी जो है प्लेट बी क्या है मेरा फिक्स है और प्लेट ए जो है वो है मेरा मूविंग प्लेट है, क्या है वो मूविंग प्लेट है, दिस इज द मूविंग प्लेट। तो मूविंग प्लेट का जो वेलोसिटी होगा वही मैक्सिमम वेलोसिटी होगा फ्लूइड का, और बॉटम में आते आते जहां पे फिक्स प्लेट है वहां पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। तो यही बोलता है मेरा प्रोफाइल, देखिए यहां पे आगे के बढ़ रहा है, ये ऐसा क्यों होता है बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी के कारण, किसके कारण विस्कोसिटी, बिकॉज एक लेयर एक दूसरे लेयर को क्या करते हैं फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जितना वो फिक्स प्लेट से ऊपर जाते रहेंगे उतना फ्रिक्शन कम होता जाएगा और एंड में आपको पूरा जो वेलोसिटी है प्लेट का वो आपको वहां पे मिलेगा ओके, क्लियर यहां पे सबको। नाउ तो हमें क्या फाइंड करना है वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा जिससे आपको मैंने बताया वेलोसिटी ग्रेडियंट से एग्जाम्पल वी जी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, क्या होगा vg इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन डी वाई, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी आपको यहां से मिलेगा डी यू, चेंज इन लेंथ क्या होगा ये जो थिकनेस ऑफ द फ्लूइड का जो है और ऑयल का थिकनेस वो होगा आपका डी वाई होगा ओके, क्लियर यहां पे सबको। नाउ हम लोग अभी आगे मूव करते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट क्या है यहां पे लिखा है, द लॉ गवर्निंग ओके द फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी, जो लॉ जो गवर्निंग करता है फिनोमिना विस्कोसिटी इज गिवन बाय द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कौन गवर्न कर रहा है यहां पे भी न्यूटन लॉ आ गया ओके, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को गवर्न कर रहा है, वी स्टेट दैट शियर स्ट्रेस इन अ फ्लूइड ड्यू टू विस्कोसिटी, क्या बोल रहा है शियर स्ट्रेस tau, shear stress मतलब tau due to viscosity is directly proportional to the velocity gradient in the direction perpendicular to the flow, ये होता है किसका law of Newton's law of viscosity ओके, तो क्या tau is equal to tau is directly proportional to du upon dy in the direction of flow perpendicular ओके, तो क्या होगा तो इसमें आता है constant of proportionality आता है mu, क्या आता है mu और वो mu होता है मेरा dynamic viscosity, क्या बोलते हैं उसको dynamic viscosity और coefficient of viscosity, dynamic viscosity और coefficient of viscosity और absolute viscosity और simply a viscosity ओके, क्या होता है म्यू डायनामिक विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और सिंपली विस्कोसिटी ओके, वहां पे डीयू अपॉन डीवाई क्या होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट जो कि हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। नाउ अभी टेक्निकल डेफिनेशन क्या हम लोग लिख सकते हैं म्यू का ओके, दैट इज म्यू मतलब क्या डायनामिक विस्कोसिटी और सिंपली विस्कोसिटी, क्या होगा यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे देखिए कैसे टाउ इज इक्वल टू म्यू
डीयू अपॉन डीवाई क्या होगा, ये जो टर्म है यहां पे जाएगा, डीवाई ऊपर जाएगा और डीयू कहां पे आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा टाऊ इनटू डीवाई अपॉन डीयू इज इक्वल टू म्यू। देखिए यहां पे वही लिखा है टाऊ इज इक्वल टू, ओके, और एक शॉर्ट फॉर्म में इसको किया है, देखिए क्या हो जाएगा इज इक्वल टू टाऊ डिवाइडेड बाय डीवाई डीयू अपॉन डीवाई। ओके क्लियर, यहां पे आपको हैंज द विस्कोसिटी क्या होता है, हैंज द विस्कोसिटी डेफिनेशन क्या बनेगा, हैंज द विस्कोसिटी इज शियर स्ट्रेस, इट्स कॉल्ड अ शियर स्ट्रेस पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो, और शियर स्ट्रेस पर यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ओके ये शियर स्ट्रेस है और ये शियर स्ट्रेन है, तो और शियर स्ट्रेस पर यूनिट रेट ऑफ, ओके रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस पर यूनिट रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। क्या बोलते हम लोग उसको, विस्कोसिटी बोलते हैं। नाउ अभी विस्कोसिटी का हम लोग जानेंगे यूनिट क्या होगा, ओके एसआई यूनिट एवं सीजीएस यूनिट। ओके तो एसआई यूनिट में देखिए क्या होगा, एज वी नो टाउ इक्वल टू म्यू डीयू अपॉन डीवाई। ओके तो टाउ क्या होगा, शियर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू म्यू डीयू अपॉन डीवाई। एज वी नो क्या होगा यहां पे, फोर्स का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, दिस विल बी न्यूटन, एरिया जो होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा, डीवाई किसमें होगा मीटर में होगा, डीयू किसमें होगा मीटर पर सेकेंड में होगा, तो मीटर पर सेकेंड का सेकेंड ऊपर चला गया। अभी देखिए यहां पर क्या होगा, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्या बचा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट किसका, म्यू का, और वी कैन राइट एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है पास्कल, क्या होता है वन पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर, क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या बचा फिर पास्कल हो गया ये इंटू सेकेंड पास्कल सेकेंड। उसी तरह देखिए यहां पे हम लोग और इसको क्या यूनिट में लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एज वी नो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है न्यूटन, न्यूटन होता है मेरा, देखिए यहां पे लिखा है हमने न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पे लिख दिया मैंने ये न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बच गया। तो देखिए यहां पे ये मीटर से ये ऊपर का पावर चला गया, ये पावर से और ये चला गया, क्या बचा केजी अपॉन मीटर सेकेंड, केजी अपॉन मीटर सेकेंड, क्या यूनिट हो गया केजी अपॉन मीटर सेकेंड, यूनिट हो गया किसका विस्कोसिटी का। तो इसे तीन यूनिट हो गए, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल पर सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड, ये तीनों यूनिट हो गए किसके विस्कोसिटी के। उसी प्रकार मेरे पास है विस्कोसिटी का यूनिट इन सीजीएस यूनिट, किसमें इन सीजीएस सिस्टम में। तो देखिए क्या होगा, एज वी नो क्या होता है यूनिट इसका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, आपको पता है सीजीएस यूनिट में न्यूटन को हम लोग बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हैं डाइन, और जो सेंटीमीटर जो होता है उसको लिखते लो सॉरी मीटर जो होता है उसको लिखते लो सेंटीमीटर में, हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकेंड तो एज इट इज होता है तो हो जाएगा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग पॉइस बोलते हैं। तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन द पॉइस एंड न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एज वी नो यहां पर देखिए वन न्यूटन होता है 10^5 डाइन सेकेंड का एज इट इज सेकेंड, वन मीटर स्क्वायर होता है 10^4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहां से ये 4 और ये 5 गया, क्या बचा यहां पे 10 पॉइस, तो ये आपको पता है 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है पॉइस होता है, क्या होता है वो पॉइस होता है। तो ये हो गया 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस, क्या हो गया ये 10 पॉइस, क्लियर यहां पे। तो उसी तरह हमको क्या करेंगे यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा, तो 1 पॉइस कितना होगा 1 पॉइस इक्वल टू ये क्या होगा ये 10 यहां पे आ जाएगा डिवाइड बाय हो जाएगा यहां से कट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया उसका यूनिट, राइट क्लियर यहां पे।
ना उसी तरह हमारे पास आता है सेंटीपॉइज, जैसे होता है मीटर सेंटीमीटर वैसे ही सेंटीपॉइज। तो देखिए क्या होता है, 1 सेंटीपॉइज इक्वल टू 1/100 पॉइज। क्या होता है 1/100 पॉइज, क्लियर यहाँ पे आपको ना? मतलब 1 पॉइज इक्वल टू कितना होगा 100 सेंटीपॉइज, क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, इसमें आया मेरे पास अभी आएगा डायनामिक विस्कोसिटी हो गया, अब मेरे पास है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू, क्या बोलते हैं हम लोग इसको न्यू, ओके। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है न्यू, ये जो है इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी म्यू टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रो, कॉल्ड एज अ न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो देखिए रो का यूनिट क्या है आपको पता है, म्यू का यूनिट आपको पता है क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड, राइट। हमने अभी निकाला क्या है केजी मीटर सेकेंड, और डेंसिटी का यूनिट क्या है मेरे पास केजी पर, केजी पर यहां पे मीटर क्यूब। तो ये केजी से ही केजी कट हो गया, ये मीटर से इसका स्क्वायर हो गया, बट डिनोमीटर के डिनोमीटर में है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये होगा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको हम लोग समटाइम बोलते हैं सीजीएस यूनिट में स्टोक्स, क्या बोलते हैं इसको हम लोग स्टोक्स। तो जैसे आपको लास्ट टाइम बताया मीटर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेकेंड एज इट इज, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज कॉल्ड एज स्टोक, ओके स्टोक, क्लियर यहां पे आपको। नाउ अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होता है, देखिए तो फ्लूइड में यहां पे पहले लिक्विड आएगा और गैस आएगा, ओके। तो किस आपको पता है फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड आइदर, फ्लूइड जो है वो क्या होता है, फ्लूइड होता है आपका लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, राइट। तो सबसे पहले देखिए यहां पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोएसिव फोर्स, क्या होता है विस्कोसिटी जो होता है लिक्विड के अंदर किसके तरह होता है वो, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द कोएसिव फोर्स की वजह से होता है बिटवीन द, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडजेसेंट लेयर, ओके, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडजेसेंट लेयर। As temperature increases, इसे temperature बढ़ता है, cohesive forces between, okay, जो cohesive forces होता है between the layers, वो क्या होता है, कम हो जाते हैं, hence the viscosity क्या हो जाती है, कम हो जाती है, okay, liquid में क्या होता है, liquid में cohesive forces की वजह से क्या होता है, viscosity बनी रहती है, अगर जैसे cohesive forces कम होते हैं, क्या हो जाएगा, आपका viscosity भी कम हो जाएगा, तो cohesive forces जब बढ़ेगा, तभी आपका viscosity बढ़ेगा, right है, जैसे oil अगर जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया पैराशूट ऑयल लिया, ठंडी में क्या हो जाता है ये ऑयल निकालोगे तो जल्दी निकलता नहीं, ये व्हाइट व्हाइट कलर का एक बड़ा सा क्या बोलते हैं थिक लेयर बना देता है, ओके, बहुत आपको ऐसा हिलाना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, तब जाके निकलता है, क्यों, बिकॉज जो लेयर्स है उसके लिक्विड के क्या हो गए, मिल गए, कोएसिव फोर्सेस क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए एक दूसरे के ऊपर, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, मिल गए, तो क्या होता है उसके वजह से वो इसमें बहुत ही चिपचिपाटपन आ गया आ जाता है, तो फ्लो भी नहीं हो पाता है, ओके। ये होता है एग्जाम्पल ऑफ द विस्कोसिटी लिक्विड। नाउ उसी तरह से गैसेस में क्या होता है, ये जैसे देखिए ये कंप्लीट एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर में हवा जो ऐसी घूम रही है यहां वहां, ओके, कुछ लग नहीं रहा आपको, जैसे यहां पे टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है, वहां पे मॉलिक्यूल्स का जो होता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स है एयर में जो पार्टिकल्स है उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और घूम रहते हैं यहां वहां यहां वहां, उसी टाइम भी क्या होता है विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाता है, क्या हो जाता है विस्कोसिटी बढ़ जाता है, ओके। देखते हैं स्टेटमेंट, viscosity of gases is due to the molecular activity between the adjacent layer, as temperature increases molecular activity क्या होती है बढ़ जाती है, hence क्या होगा viscosity आपका बढ़ जाता है, किसका गैस में, temperature दिया गैस का viscosity बढ़ जाता है, temperature दिया viscosity of किसका लिक्विड कम हो जाता है, ये इसका बेसिक डिफरेंस है।